प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको बहुत सारे विकल्प पता होने चाहिए। आप नीट के साथ साथ कौन कौन से एग्जाम दे सकते हैं 2023 में, कौन कौन से कोर्स होते हैं वो, और कौन से एग्जाम को कब रजिस्टर करना होता है, इन सब की वीडियो खैर हम तो अब लगातार चैनल पे देंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए ताकि आप मेंटली प्रिपेयर रहें कि मुझे ये भी एग्जाम देना है। और बहुत अच्छे अच्छे कोर्स हैं, यही नहीं कि केवल आप, आपको पता हो कि भाई नीट का मतलब केवल MBBS ही होता है। नीट के थ्रू आप कौन कौन से कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर एक नर्सिंग कोर्स होता है तो नर्सिंग का भी आप नीट के स्कोर से ही एडमिशन लिया जाता है। MNS भी नर्सिंग के थ्रू ही होता है। बहुत सारे कोर्स नीट के स्कोर से ही होते हैं, लेकिन उनके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है अलग अलग कॉलेज में, तो वो आज बताने जा रहा हूँ। और एक एक कॉलेज, सारे टॉप कॉलेज के ही नाम लूंगा मैं, कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं है इसमें। तो शुरुआत करते हैं बेटा, जैसे पहला AFMC, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, इसमें MBBS और BDS होता है। इसके लिए आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करना होता है, और उसके बाद आपका अलग से एक एग्जाम होता है। नीट का स्कोर चाहिए पहले, उसके बाद ही सिलेक्शन होगा आपको, और फिर उनका अपना SSB वगैरह इंटरव्यू होगा, वो AFMC एग्जाम है, मतलब आप इसके थ्रू फिर MBBS और BDS कर सकते हैं। यहाँ MNS होता है, ये भी FMC पुणे के लिए ही है। ये आर्मी की जो वेबसाइट है वहां से अप्लाई किया जाता है इसके लिए, और इसे बोलते हैं मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। इसमें आप नर्सिंग कर सकते हो, लेकिन इसे कम मत लेना। एक तो देश की सेवा करोगे सबसे बड़ी बात, दूसरा इसका जो, इसे कोर्स को करने के बाद आपकी जॉब कंफर्म है, और आप लेफ्टिनेंट रैंक से ज्वाइन करते हैं आर्मी को, बहुत बड़ा रुतबा है, बहुत अच्छी सैलरी है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। और इसमें आप परमानेंट सर्विस कमीशन भी दे सकते हो और सॉल्वेंट सर्विस कमीशन भी दे सकते हो 5 साल की, ठीक है, तो ये एक ऑप्शन है। दूसरा, इनकी सारी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर है, आप देख सकते हो, और जब इनके एप्लीकेशन फॉर्म निकलेंगे तब भी आपको बताया जाएगा। CET BHU, ये कुछ ऐसे कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट होते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी के, जिसके थ्रू आपको जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेज हैं और रेडियोग्राफी, ऑप्टोमेट्री, इनके कोर्स होते हैं। इससे ऑप्टोमेट्री एक बहुत बढ़िया विकल्प है, इसकी सीट्स हैं, एम्स के बारे में बताऊंगा आपको, इनके अलग से फॉर्म भरे जाते हैं। तो BHU CET एंट्रेंस टेस्ट होगा, इसके थ्रू आप BSc वगैरह में तो एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन साथ में पैरामेडिकल कोर्सेज हैं जो लैब टेक्नीशियन, और बहुत अच्छे अच्छे कोर्स होते हैं ये, रेडियोग्राफी है ना, फिजियोथेरेपी, इन सब के कोर्स के थ्रू आप, एक और होता है बैचलर ऑफ BSLP बोलते हैं, बैचलर इन ऑडियो स्पीच थेरेपी, वो भी एक बहुत बढ़िया विकल्प है आज की तारीख में, उसके फॉर्म यहाँ से भरे जाते हैं। और CETMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सेम होगा यही CET, ऐसे ही CET बहुत सारी यूनिवर्सिटी के हैं, CET IPU इंटरप्रस्ट यूनिवर्सिटीज के फॉर्म अलग से भरे जाएंगे, दिल्ली का है ये, ठीक है। और बच्चों, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूट, इसका भी अपना एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, अभी ये मेडिकल इंस्टीट्यूट है, अब ये यूनिवर्सिटी बन चुकी है, इसका अपना अलग से एंट्रेंस टेस्ट होगा। फिर यहाँ पे एक नेस्ट एग्जाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी साइंस टेस्ट, ऐसा कुछ नाम है इसका, NICER, इसमें आप इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कर सकते हो BSMS, जैसे ICERS के लिए होता है ना, तो इसमें आप जा सकते हो अगर आपको रिसर्च फील्ड में जाना है, ठीक है, आपका मन बदल जाएगी मुझे MBBS नहीं करनी, ऐसा ही एक ऑप्शन आपके पास ICERS है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, और भैया इसके लिए IAT ICER एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ये एग्जाम, इसका फॉर्म अलग से भरा जाएगा, बताया जाएगा कब आपको। और इसके बाद फिर BSLP के कुछ अलग से एग्जाम होते हैं, अलग से कॉलेज है बड़े फेमस, उनमें से एक ये है AISH मैसूर, इसमें BSLP के कोर्स कराया जाता है बच्चों, और ये BSLP के लिए अच्छे कॉलेज में माना जाता है, तो इसका आप फॉर्म अलग से भर सकते हैं। इसके साथ ही दूसरा है अली यवर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग मुंबई, इसका अलग से एंट्रेंस टेस्ट होगा, इसका फॉर्म का आपको अपडेट दूंगा, उसको भी देख सकते हैं, भर सकते हैं। फिर इसके बाद एम्स का अपना एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है बच्चों, जिसमें पैरामेडिकल और ऑप्टोमेट्री, ये बहुत बढ़िया विकल्प है बच्चों, इसमें मेरे कुछ स्टूडेंट कर भी चुके हैं इसे, रेडियोग्राफी, इनमें लगभग सीट्स तो बहुत कम है, 5-5, 7-7, लेकिन अगर आप इसे कर लेते हो तो आपकी गवर्नमेंट जॉब लगभग पक्की है, तो जिन स्टूडेंट्स ने किया है ये उनकी जॉब पक्की है। आप इनके बारे में डिटेल पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, चैनल पे इनकी वीडियो देख सकते हैं। और इसके अलावा फिर एक, जैसे आप BSMS अगर 5 साल के प्रोग्राम में जाना चाहते हो, रिसर्च फील्ड में साइंटिस्ट बनना चाहते हो, तो इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस BSMS ये प्रोग्राम है, इसमें भी जा सकते हैं। और बच्चों फिर ऐसे ही जो मैं आपको पैरामेडिकल कोर्सेज वगैरह हैं उनके लिए, इसका अलग से PGI MER चंडीगढ़ और PGIMS रोहतक, इनके फॉर्म अलग से भरे जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप और ऑप्शन देखना चाहते हो, तो जैसे आपके पास मैथ्स है, लेकिन अब की बार जैसे पिछली बार JEE मेंस का फॉर्म बिना मैथ्स वाले भी भर सकते थे, कुछ कॉलेज की ऐसी डिमांड है कि मैथ्स वो बाद में कराएंगे, आप एडमिशन दे सकते हो, तो आप JEE मेन का भी फॉर्म भर सकते हो। ये रीट होता है, रीजनल
एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट ऐसा कुछ है ये जिस बच्चे को अगर लगता है कि मुझे टीचर बनना है तो बीएड के लिए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है बीएससी बीएड, उसका फॉर्म भी आप भर सकते हो अगर आपका मन है तो। ये एक बहुत अच्छा विकल्प है अगर आपको अच्छे स्कूल में टीचर बनना है, अच्छा टीचर बनना है। होटल मैनेजमेंट होता है, ये आप समझते हो होटल मैनेजमेंट का जो कोर्स होता है उसका एक अलग से एग्जाम होता है। ऐसी क्लैट होता है, ये लॉ के लिए होता है अगर आपका मन करता है कि मुझे ये फॉर्म भरना है। इसके अलावा एक और दो तीन ऑप्शन और हैं, ये मर्चेंट नेवी, इन सब में भी अलग से आप जा सकते हो, लेकिन ये अलग स्ट्रीम है। लेकिन मैंने दे दिया ऑप्शन आपको कि अगर आपको लगता है ये, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है ICAR, इसे NTA ही कंडक्ट करता है बच्चों। इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, वेटनरीज अगर आपको करनी है, फिशरी और ये हॉर्टिकल्चर, डेयरी टेक्नोलॉजी, उसके सबसे दो टॉप एग्जाम है ये, दो कोर्स ही हैं, डेयरी टेक्नोलॉजी NDRI करनाल से होता है और वेटनरी, ठीक है, पूसा दिल्ली से भी ये कोर्स होते हैं। तो ये ICAR के थ्रू ही आप इनमें एडमिशन लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे और कोर्स हैं जैसे फार्मेसी, फार्मा, इन सब के अलग से एग्जाम होते हैं, कुछ में डायरेक्ट एडमिशन होते हैं, जैसे डिप्सा जो दिल्ली का है कॉलेज, फार्मेसी का बढ़िया कॉलेज है, उसमें डायरेक्ट आपकी मेरिट बेस पे सिलेक्शन होता है। ऐसी हमदर्द कॉलेज है, उसका अलग से टेस्ट होगा, वो दिल्ली इंडिया का नंबर वन फार्मा कॉलेज है। तो बी फार्मेसी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, इन सब के ये CET जो एग्जाम होते हैं इनके थ्रू एडमिशन होते हैं। तो आपको लगातार इस चैनल पे हमारे अपडेट मिलती है, बहुत सारी वीडियोस हैं, आप जिस कोर्स को आप चेक करना चाहते हो उस चेक कोर्स को लिखो, मेरा नाम लिख दो आगे, गूगल पे आपको वो कोर्स पता लग जाएगा, एग्जाम पता लग जाएगा, आप उसे चेक कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आपको ये काफ़ी पसंद आई होगी, ये ऑप्शंस आपको पता लगे होंगे, और ये दोस्तों से शेयर करिए। बाय बच्चों, अगली वीडियो मिलते हैं।